बिग बॉस के बाहर आने के बाद पहली बार आया शार्दुल पंडित का रिएक्शन। आइए जानते हैं कि अपने इवेक्शन के बाद क्या कहना चाहते हैं जनता से शार्दुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूं बिग हेडलाइंस में। दोस्तों, इस हफ्ते बिग बॉस सीजन 14 के घर से बेघर हो गए हैं शार्दुल पंडित। रूबीना और शार्दुल नॉमिनेशन में थे, जिसके बाद रूबीना जो है सेफ हो गई और शार्दुल बिग बॉस सीजन 14 के घर से बेघर हो गए। ऐसे में शार्दुल जो है बेबी 14 हाउस के बाहर आने के बाद उन्होंने ना जो है रिएक्शन दिया है घर के ऊपर, यानी कि घर के अन्य कंटेस्टेंट्स को लेके, इविक्शन को लेके। आइए जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं शार्दुल अपने इस ट्वीट में। वेल, शार्दुल पंडित जो है ट्वीट करके लिखते हैं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, करना मेरे हाथ में था, दिखाना नहीं। वेल, यहाँ पे शार्दुल जो है ये कह रहे हैं कि कुछ लोग उन्हें जो है पिक पॉइंट कर रहे थे कि शार्दुल ने बिग बॉस सीजन 14 के हाउस में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वेल, उन ट्रोलर्स को जवाब देते हुए शार्दुल कहते हैं कि करना मेरे हाथ में था, लेकिन उसको दिखाना बिग बॉस सीजन 14 के मेकर्स के हाथ में था। इसके अलावा शार्दुल कहते हैं, दिखने के लिए सच्चाई नहीं छोड़ी, दोस्ती नहीं तोड़ी। यहाँ पे शार्दुल कह रहे हैं कि दिखने के लिए मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया, मैंने सच्चाई भी नहीं तोड़ी है और दिखने के लिए दोस्ती भी नहीं तोड़ी है, जो कि बाकी कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं। यहाँ पे आगे शार्दुल कहते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर रूबीनास फैंस, मैं तो खुश हूँ कि उससे हारा हूँ मैं, यानी कि रूबीना से हारने के बाद शार्दुल बहुत खुश है, उन्होंने रूबीना को ऑल दी बेस्ट कहा है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि शार्दुल के बातों से आप कितने सहमत हैं और शार्दुल का ये रिएक्शन कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।